ऐसे ही रहना है इतना। ऐसे रहना, एक मिनट। एक मिनट हटाओ थोड़ा, एकदम नहीं आ रहा। रुको, ओके, लुक 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 कैमरा लुक। ठीक है, लेना ना रागिनी जी। सबसे पहले तो बापा का आगमन यू नो हो चुका है, आज पांचवा दिन है। सो आपने 11 दिन के बापा को रखा, क्या यू नो कि घर का माहौल हमेशा एक डिफरेंट हो जाता है बापा के आने से। तो आप बताइए कि जब से बापा आए हैं तो कैसा रहा आपका बापा घर में आगमन से लेके आई थिंक मैं बहुत सालों से बप्पा घर पे ला रही हूँ एंड मैंने स्टार्ट किया था 1.5 डेज से, अभी 5 दिन क्या, फिर अभी 11 दिन में करती हूँ बप्पा। सो ऑब्वियसली बहुत ही पॉजिटिव ऑरा रहता है, बहुत ही स्पिरिचुअल ऑरा रहता है, बिकॉज बप्पा आते हैं तो उनका आरती एंड यू नो एवरीथिंग इज़ देयर। सो आई थिंक बहुत ही पॉजिटिव एंड अ वेरी स्पिरिचुअल ऑरा रहता है, तो आई थिंक फॉर एवरीबॉडी। सो या एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन, हालांकि आपका घर तो बहुत ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच, ये बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन भी है। तो आप बताइए कि आपने ये सब कुछ किया है या सबका कंट्रीब्यूशन, आप बताइए। ऑनेस्टली या कुछ मैंने किया है, कुछ मैंने डेकोरेटर्स को बुलाया है ऑब्वियसली, बट या चूज करना फ्लावर्स कलर्स द थीम करना वो सब हम लोगों ने खुद ही किया है। सो या सबका जॉइंट एफर्ट है बेसिकली। बापा भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ये जो बापा का जो कलर है जी, ये आपने चूज किया है या फिर एक्चुअली हमने इको फ्रेंडली बापा लिए हैं, रेड सॉइल के जो बापा बनते हैं जो कि ईजिली मतलब विसर्जन में प्रॉब्लम नहीं होता, इको फ्रेंडली रहते हैं, तो रेड सॉइल के बापा लिए हैं, बिल्कुल इको फ्रेंडली, तो दैट्स द रीजन मैंने ये कलर लिया है। आप बता 100% इको फ्रेंडली पापा लिए। तो पापा का जो डेकोरेशन मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बता सकें कि डेकोरेशन बेसिकली हमने पापा का रेड कलर का पूरा उनका स्वरूप है एंड देन थोड़ा सा हम लोगों ने पर्ल वर्क यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा सरोस्की वर्क दिया है, उनका जो धोती है वो मैंने कंट्रास्ट में येलो कलर में रखा है, उनका जो ये वस्त्र है वो पिंक में है। सो या तो ऑल कलर्स ट्राई किए कि हम लोग करें अगेंस्ट अ बैक वाइट बैकग्राउंड अगेंस्ट हम लोगों ने किया है, तो या थोड़ा सा एनहांस करने के लिए ऑल द कलर्स पॉसिबली हमने यूज करें जो कर सकते हैं। यू नो एक जो बात आपने कही कि इको फ्रेंडली बापा, अब धीरे धीरे यू नो एक्टर जब मैसेज देते हैं तो करेक्ट करेक्ट तक जाती है, धीरे धीरे लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे कि हर कोई अपने बापा को इको फ्रेंडली लाए। आई थिंक बहुत जरूरी है बिकॉज यू नो इट्स गुड फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो, कि मतलब वरना अदरवाइज अब बापा विसर्जन के बाद अब देखो कि बीच में मूर्तियाँ बाहर पड़ी होती है, विच इज़ वेरी अनप्रेजेंट उसकी, बिकॉज जिनको आप पूछते हो वर्शिप करते हो वैसे पड़े होते हो। सो आई थिंक दिस इज वेरी नाइस वे, घर पे करो विसर्जन या फिर जाके बीच में करो, मगर इको फ्रेंडली करो, जैसे कि मतलब पूजा शुड बी डन प्रॉपरली आई बिलीव, लाते हुए ऐसे वैसे इनको मतलब विसर्जित करो। सो आई थिंक इको फ्रेंडली इज अ मस्ट ना, सबको इको फ्रेंडली बापा ही लाने चाहिए, दिस इज माई रिक्वेस्ट एंड एडवाइस टू एवरीबॉडी एक्चुअली। सो क्योंकि 11 दिन के बापा हैं आपके घर पे, हम तो चाहते हैं कि बापा हमेशा के लिए रहें, लेकिन ये जो घर में स्टार्टिंग में मैंने बात की घर का माहौल हमेशा बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, आप कुछ अपनी तरफ से कुछ पकवान या कुछ फूड्स या आप भी बनाती हैं या मुझे कुकिंग बहुत कम आती है, तो जितना आई कैन डू इट आई डू इट, बाकी मेरे घर पे एक हेल्प है तो वो करते हैं, बट आई मेक इन एफर्ट कि थोड़ा बहुत कुछ मैं कंट्रीब्यूशन करूँ, मे बी कटिंग मे बी चॉपिंग और व्हाटएवर, मगर बेसिकली हाउस हेल्प वो ही करता है बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू कुक। या मोदक, पापा का तो फेवरेट मोदक है, आपका कितना फेवरेट है? अगर कैलोरीज ना हो तो बहुत फेवरेट, हाँ वो तो है। या बट उगड़ी मोदक इज व्हाट इज मेरी पापाज फेवरेट, तो उगड़ी मोदक मैं हमेशा लेके आती हूँ, मिक्स श्योर जितने दिन मुझे आई कैन ऑर्डर है मैं लेके आती हूँ, बाहर से यूजली हम लोग ऑर्डर करते हैं मोदक। सो या एंड इसके अलावा बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सिंपल आपका, थैंक यू सो मच। I just chose something solid color like a pink लिया मैंने इस बार, फ्यूशिया पिंक कलर लिया कि जो मतलब एक festive feel देने के लिए color देने के लिए, so yeah simple and nice। तो जाते आते एक आपकी तरफ से गणपति पप्पा, गणपति पप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।